हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन वेब ट्यूटोरियल चैनल पे। मैं हूं संजय। सो इस कस्टम प्लगइन डेवलपमेंट के जर्नी में इस वीडियो सेशन में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि प्लगइन के सब मेन्यूज क्या हैं, हम उन्हें किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, उनके क्या क्या सेटिंग्स होते हैं, उनके सेटिंग्स को किस तरीके से हम कस्टमाइज कर सकते हैं और काफ़ी कुछ। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे अमेजिंग क्वालिटी कंटेंट्स हम इस चैनल पर अपलोड करते रहें। सो पिछले वीडियो सेशन में गाइस, हम अपने कस्टम प्लगइन के थ्रू हमने अपना फर्स्ट मेन्यू क्रिएट किया था विथ नेम कॉल्ड कस्टम प्लगइन। अब इसी प्लगइन मेन्यू के अंदर हम अपने सब मेन्यूज को कैसे ऐड करें, उसी कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियो के जरिए समझेंगे। सो सबसे पहले सब मेन्यू होता क्या है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ इस पोस्ट वाले सेक्शन का, तो इन मेन्यूज का क्या रोल है। सो फॉर एग्जाम्पल, ये जो पोस्ट वाला मेन्यू है, जो पैरेंट मेन्यू है, इसके कुछ सब मेन्यूज हैं। सो अगर आप ध्यान से देखो, जो पहला सब मेन्यू है दैट इज ऑल पोस्ट, इसके नाम से क्लियर है कि अगर हमने इस सब मेन्यू पे क्लिक किया तो हमारे पास एक लेआउट होगा, उस लेआउट के अंदर हमारे पास सारे पोस्ट की लिस्टिंग होगी। अगर मैं क्लिक करूँ नेक्स्ट मेन्यू की दैट इज एड न्यू, इसका मतलब हमारे पास एक लेआउट होगा, उस लेआउट के थ्रू हम अपने न्यू पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास एक थर्ड सब मेन्यू है दैट इज कैटेगरीज, इसका मतलब इस पर क्लिक करके हम पोस्ट की कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। सो हमारा जो बेसिक कंसर्न है दैट इज कि सब मेन्यू क्या होते हैं। सो सब मेन्यू हमारे एक स्पेशल फंक्शन को इंडिकेट करते हैं ताकि हम उन पर क्लिक करके हम उस स्पेसिफिक फंक्शन को कम्प्लीट कर सकें। सो यहाँ पर जो कस्टम प्लगइन हम क्रिएट कर रहे हैं, अगर उसके सेटिंग्स को हम चेंज कर दें समथिंग लाइक कि एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम है, हमारे पास एक मीन्स एम्प्लॉय फॉर्म होगा जिस फॉर्म के थ्रू हम एम्प्लॉय को ऐड कर सकें, हमारे पास एक लिस्ट पेज होगा जिसके अंदर हम सारे एम्प्लॉयज़ की लिस्टिंग को कर सकें। सो उन सभी फंक्शंस को हम सब मेन्यूज़ के अंदर हम डिवाइड करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जाऊँगा एडिटर में, मैं ओपन करने वाला हूँ डब्ल्यू पी कॉन्टेंट प्लगइन्स एंड कस्टम प्लगइन। सो ये हमारी मेन फाइल है, मैं इसे चेंज करना चाहूँगा सबसे पहले। सो कस्टम प्लगइन वन के जगह पे मैं कहूँगा समथिंग कॉल एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। सो यहाँ पर फटाफट हम इस कमेंट को और इस डिस्क्रिप्शन को चेंज कर लेते हैं, दैट इज दिस इज अ क्रड एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। सो यहाँ पर हमारे पास एक कीवर्ड है दैट इज क्रड। अब क्रड क्या होता है, सो क्रड स्टैंड्स फॉर क्रिएट, मीन्स सी फॉर क्रिएट, आर फॉर रीड, यू फॉर अपडेट एंड डी फॉर डिलीट। सो इस कीवर्ड का मतलब है कि हम MySQL के सभी क्वेरीज को एग्जीक्यूट करने वाले हैं, मीन्स क्रिएट करने वाले हैं, इंसर्ट कमांड, रीड करने वाले हैं मीन्स सेलेक्ट कमांड, अपडेट करने वाले हैं एंड डिलीट करने वाले हैं। सो ये हमारा एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, साथ ही साथ ये जो मेन्यू हमने क्रिएट किया था हम इसे रिनेम करने वाले हैं। सो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग कस्टम प्लगइन मेन्यू, मैं इसे कहूंगा एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। उससे पहले मैं ऐड करने वाला हूं दैट इज एड एम्प्लॉय, ये हमारा पेज टाइटल है। सो मैं इसे कॉपी करूंगा एट एम्प्लॉय, और हमारा ये मेन्यू टाइटल है मैं इसे चेंज करने वाला हूं। सो कस्टम प्लगइन के बजाय हमारे पास जो मेन्यू टाइटल होगा दैट इज एट एम्प्लॉय, या मैं कहूं इसे एम्प्लॉय सिस्टम। अगर मैं इसे कॉपी करूं, हम इसे भी रिप्लेस कर देते हैं दैट इज एम्प्लॉय सिस्टम। नेक्स्ट है हमारे पास मैनेज ऑप्शंस व्हिच इज ओके, और यहां पर सीपी हाइफन प्लगइन है, मैं इसकी जगह पे कहूंगा एम्प्लॉय हाइफन सिस्टम। नेक्स्ट है हमारे पास सीपी हैंडल एडमिन मेन्यू, सो सीपी और मैं कहूं एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, सो ईएमएस अंडरस्कोर क्रड सिस्टम। सो अगर मैं इसे कॉपी कर लूं, क्योंकि ये हमारा कॉल बैक फंक्शन है, मैं इसे यहां पेस्ट कर दूंगा। सो वेलकम टू कस्टम प्लगइन मेन्यू, नॉट कस्टम प्लगइन, दिस इज वेलकम टू एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। सो अगर मैं चेंज करके वापस से अगर मैं जाऊँ ब्राउजर पे रीलोड करूँ, तो हम देख पाएंगे एम्प्लॉय सिस्टम, मैं इस पर क्लिक करूँ वेलकम टू एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट हमें करना है वो ये कि ये जो हमने एम्प्लॉय सिस्टम जो प्लगइन ऐड किया है, इस प्लगइन के अंदर, इस मेन्यू के अंदर हम अपने सब मेन्यूज को क्रिएट कर सकें, लाइक ऐड एम्प्लॉय एंड लिस्ट एम्प्लॉय। अगर हम क्लिक करेंगे ऐड एम्प्लॉय मेन्यू पे, तो हमारे पास एक फॉर्म आए जिस फॉर्म के थ्रू हम एम्प्लॉयज़ को ऐड कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास होगी लिस्ट एम्प्लॉय, जिसको क्लिक करते जितने एम्प्लॉयज़ को हमने क्रिएट किया है वो सब लिस्ट हो जाएँ।
सो चलिए फटाफट सबसे पहले हम सब मेन्यूज को क्रिएट करते हैं। तो मैं जाऊंगा वर्डप्रेस के मीन्स डॉक्यूमेंटेशन पे, सो wordpress.org, उससे पहले मैं टाइप करूंगा developer.wordpress.org, सर्च बॉक्स पे मैं टाइप करने वाला हूं add सब मेन्यू पेज, एंटर प्रेस करने वाले हैं। सो ये हमारे पास कुछ फंक्शंस की लिस्टिंग करने वाले हैं, जैसे कि add सब मेन्यू पेज, मैं इस पर क्लिक करूंगा। रिमेंबर ये एक वर्डप्रेस फंक्शन है, हम कोई पीएचपी में इसे यूज नहीं कर सकते। तो ये हमारा फंक्शन, इस फंक्शन के कुछ पैरामीटर्स है जिनको यूज करके हम अपने सब मेन्यू को क्रिएट कर पाएंगे। सो पहला है हमारा पैरेंट स्लग, इसका मतलब किस पैरेंट के अंदर हम अपने सब मेन्यूज को क्रिएट करना चाहते हैं। जिस पैरेंट के अंदर हम क्रिएट करना चाहते हैं उसका जो मेन्यू स्लग है हमें इस फंक्शन के सबसे फर्स्ट पैरामीटर में उसे पास करना है। तो चलिए यूज करते हैं। तो मैं जाऊंगा अपने उसी कॉल बैक फंक्शन के अंदर cp add admin menu, और यहां पर हम ऐड करने वाले हैं सब मेन्यूज। सो add underscore सब मेन्यू underscore पेज, इस फंक्शन का जो फर्स्ट वैल्यू है दैट इज पैरेंट स्लग, तो हमें इस मेन्यू के अंदर उसे ऐड करना है। तो हमारे पास रिमेंबर जो हमारा मेन्यू स्लग है दैट इज ऑल अबाउट एम्प्लॉय सिस्टम, मैं इसे कॉपी करूंगा और इसके फर्स्ट वैल्यू पर हम इसे पास करेंगे। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास स्ट्रिंग पेज टाइटल, सो वही सारे पैरामीटर्स जो हमने पास किए हैं वो रिपीट होंगे। सो पेज टाइटल क्या है, जो हम सोर्स कोड व्यू करते हैं जो टाइटल टैग के अंदर आते हैं दैट इज नोन एज पेज टाइटल। सो यहां पर हम उसे पास करने वाले हैं, सो दिस इज ऑल अबाउट एट एम्प्लॉय। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास मेन्यू टाइटल, सो ये दोबारा से हमारे पास होगा एम्प्लॉय मीन्स एट एम्प्लॉय। उसके बाद होगा कैपेबिलिटी, इसका मतलब ये जो सब मेन्यू हम क्रिएट करने वाले हैं ये किस लेवल के यूजर्स को विजिबल हो सके। तो अभी फिलहाल के लिए जो हम ये प्लगइन क्रिएट कर रहे हैं दिस इज ओनली फॉर सुपर एडमिन, तो हम यहां पर पास करने वाले हैं जो परमिशन लेवल है दैट इज ऑल अबाउट मैनेज ऑप्शंस। मैनेज ऑप्शंस का मतलब होता है कि जिस यूजर को ऑप्शंस मैनेज करने का परमिशन लेवल एक्सेस ग्रांटेड हो वही यूजर इसको यूज कर सके। सो मैनेज ऑप्शंस। नेक्स्ट हम पास करने वाले हैं दैट इज ऑल अबाउट मेन्यू स्लग, सो ये सब मेन्यू है तो इसका स्लग क्या होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं एम्प्लॉय ईएमएस एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम हाइफन एंड दिस इज एड हाइफन एम्प्लॉय, सेव कर दूंगा। नेक्स्ट है हमारे पास जो पैरामीटर है दैट इज ऑल अबाउट कॉल बैक फंक्शन। अब ये कॉल बैक फंक्शन क्या है, मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि अगर हमने किसी मेन्यू को क्रिएट किया है उस पर क्लिक किया है तो क्लिक करने के बाद कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट हो उस फंक्शन को कहते हैं हम कॉल बैक फंक्शन। तो ये हमारा मेन्यू है जिसके क्लिक पे ये फंक्शन कॉल होगा, उसी तरीके से हमारा ये सब मेन्यू है अगर हम इसे क्लिक करते हैं तो हमारा कौन सा फंक्शन कॉल होगा। तो मैं यहाँ पर पास करने वाला हूँ लाइक Employee Management System that is EMS underscore add underscore employee. So successfully हमने सारे parameters को pass कर दिया अपने इस function के अंदर, like ये हमारा parent slug, page title, sub menu title, यहाँ पर हमारे पास manage options, capability, ये हमारा menu slug है और ये है उसका callback function। So यहाँ पर इस callback function को create करने के पहले अगर मैं एक concept को समझाना चाहूँगा आपको, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा post वाले menu पे, हम देख सकते हैं मैंने क्लिक किया था मेन्यू पे बट ऑटोमेटिकली हमारा फर्स्ट मेन्यू मीन सब मेन्यू ट्रिगर हुआ और दिस इज ऑल अबाउट ऑल पोस्ट। इसी तरीके से अगर मैं मीडिया पे क्लिक करूं, ये एक मेन्यू है, हमारे पास दो सब मेन्यूज हैं दैट इज लाइब्रेरी एंड ऐड न्यू, बट मैं क्लिक करने वाला हूं मेन्यू के ऊपर। सो जैसे मैंने मेन्यू के ऊपर क्लिक किया ऑटोमेटिकली जो हमारा फर्स्ट सब मेन्यू है वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हुआ है। सो कहीं ना कहीं जब हम मेन्यू पे क्लिक करते हैं इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट सब मेन्यू होता है वो कॉल होता है। सो यहां पर उसी कॉन्सेप्ट को हमें यूज करना है कि अगर हमने क्लिक किया अगर इस मेन्यू पे दैट इज एम्प्लॉय सिस्टम तो हमारा जो फर्स्ट सब मेन्यू होगा वो कॉल होगा। तो जो कॉल बैक फंक्शन होगा हमारे इस फर्स्ट सब मेन्यू का वो कॉल बैक फंक्शन वही होगा जो हमारे इस मेन्यू टाइटल का है। सो हम क्या करने वाले हैं, जो कॉल बैक फंक्शन हमने यहां पास किया है दैट इज ईएमएस क्रेड सिस्टम, मैं इसे कॉपी करूंगा और हम यहां इसे पास कर देंगे। उसके बाद मैं ऐड करने वाला हूं एक और सब मेन्यू, ये हमारा ऐड एम्प्लॉय पेज है ऐड सब मेन्यूज, जो फर्स्ट वैल्यू है दैट इज ऑल अबाउट पैरेंट स्लग, ये हमारा पैरेंट है, मैं इसके स्लग को कॉपी करूंगा
पेस्ट करेंगे हम यहाँ पर। नेक्स्ट हम इसके मीन्स पेज टाइटल को पास करने वाले हैं। ये जो सेकेंड सब मेन्यू हम क्रिएट करने वाले हैं दैट इज लिस्ट एम्प्लॉय, ये हमारा पेज टाइटल है। नेक्स्ट हम पास करने वाले हैं अपने मेन्यू टाइटल दैट इज ऑल अबाउट लिस्ट एम्प्लॉय। उसके बाद हम पास करेंगे कैपेबिलिटी मीन्स यूजर रोल परमिशन, सो मैनेज ऑप्शंस, मैनेज ऑप्शंस जो नेक्स्ट पैरामीटर है दैट इज ऑल अबाउट मेन्यू स्लग, सो इसका जो स्लग होने वाला है दैट इज ऑल अबाउट लिस्ट हाइफन एम्प्लॉय। नेक्स्ट है हमारे पास कॉल बैक फंक्शन जो हमारा सेकेंड सब मेन्यू होगा, ऑब्वियसली इसका कॉल बैक फंक्शन डिफरेंट होगा। सो यहाँ पर हम पास करने वाले हैं ऑल अबाउट एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज EMS लिस्ट अंडरस्कोर एम्प्लॉय। मैं इसे सेव करूंगा, सेव करने के बाद मैं इसे कॉपी करके हम यहाँ इसे क्रिएट कर लेते हैं दैट इज ऑल अबाउट सब मेन्यू कॉल बैक फंक्शन। सो फंक्शन ये हमारा EMS लिस्ट हाइफन एम्प्लॉय और यहाँ पर वेलकम टू एड एम्प्लॉय और यहाँ पर कह दूँ इको विद इन H2 टैग वेलकम टू लिस्ट एम्प्लॉय पेज। सो अगर मैं सेव कर दूं, ब्राउजर पे जाऊं, रिलोड करूं, सो अगर मैं होवर करूं अपने एम्प्लॉय सिस्टम प्लगइन के ऊपर तो हम देख सकते हैं हमारे पास हमारे पास तीन सब मेन्यूज हैं बट हमने दो क्रिएट किए हैं दैट इज एड एम्प्लॉय एंड लिस्ट एम्प्लॉय। सो हमें चाहिए दो सब मेन्यूज बट यहाँ पर तीन सब मेन्यूज दिख रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हमने जो स्लग रखा है अपने सभी मेन्यूज और सब मेन्यूज का वो डिफरेंट है। बट हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है इन सभी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद लाइक पोस्ट एंड मीडिया वो ये कि अगर हमने फर्स्ट मेन्यू पे क्लिक किया तो हमारा जो फर्स्ट सब मेन्यू है वो ट्रिगर हो, तो इसका मतलब जो स्लग होगा हमारा मेन्यू और फर्स्ट सब मेन्यू का वो सेम होगा। तो यहाँ पर जो स्लग है हमारे इस मेन्यू का दैट इज ऑल अबाउट एम्प्लॉय सिस्टम, मैं इसे कॉपी करूंगा और इसके स्लग के साथ हम इसे रिप्लेस करने वाले हैं। सो मैं सेव कर दूंगा, ब्राउजर पे जाऊंगा, रिलोड करूंगा और अब अगर मैं होवर करूं हम देख पाएंगे हमारे पास दो सब मेन्यू हैं दैट इज एड एम्प्लॉय एंड लिस्ट एम्प्लॉय। सो सक्सेसफुली हमने मेन्यूज भी क्रिएट किया और उस मेन्यूज के अंदर हमने सब मेन्यूज भी रजिस्टर किया। सो अगर मैं क्लिक करूँ एड एम्प्लॉय हम देख पाएंगे वेलकम टू एड एम्प्लॉय लिस्ट एम्प्लॉय वेलकम टू लिस्ट एम्प्लॉय। सो अगर मैं क्लिक करूँ पोस्ट उसके बाद मैं क्लिक करूँगा अपने मेन्यू के ऊपर तो सक्सेसफुल तरीके से हमने फर्स्ट मेन्यू को ट्रिगर किया है दैट इज वेलकम टू एड एम्प्लॉय। सो ये थी गाइज हमारी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ टू एड सब मेन्यू इन साइड आवर कस्टम प्लग इन मेन्यू। नेक्स्ट वीडियो में इस तरीके से हम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे अपने इस कस्टम प्लगइन डेवलपमेंट के जर्नी में। सो आई होप ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक कमेंट, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।